पहले मेरे जो बड़े भाई है हितेश कालरा, वो क्रिकेट खेलते थे, तो उनके साथ बस मैं ग्राउंड पे जाता था एकेडमी में उन्हीं के साथ। तो उनको देखते देखते मैंने धीरे धीरे शुरू करा क्रिकेट। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही फ़न के लिए खेलने जाता था। फिर जैसे ही मैं अंडर 14 स्टेट खेला तो उसके बाद मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट और बढ़ गया। हाँ जी, हम पहले जैसे रात को फ्रेंड्स वगैरह होते थे गली में, जो दिल्ली में कहते हैं वन टिप आउट, तो वो खेला करते थे रात को गली में। पहले जो अंडर 19 की ट्रॉफी होती है, कूच बिहार ट्रॉफी, तो वो हम लोग खेल रहे थे, तो उसमें मैं इंडिया का सेकंड हाई स्कोरर था। और उसके बाद मेरे को इंडिया अंडर 19 की एक टीम बनी थी, एक मेन टीम थी और एक प्रैक्टिस मैच की टीम थी। तो पहले प्रैक्टिस मैच की टीम में मेरा नाम आया जो जब कूच बिहार ख़त्म हुई। तो उसके बाद हमारे को जो मेन मैचेस थे उसमें फिफ्थ मैच के लिए मेरे को बुलाया गया था। तो उसके बाद हम इंग्लैंड टूर पे गए थे, फिर इंग्लैंड टूर में मेरी सेंचुरी थी एक, फिर हमारी चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के बाद वर्ल्ड कप के टीम में नाम आया। फीलिंग ये बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे जब सेंचुरी हुई, रन भी कम रह गए थे पर सेंचुरी हो गई थी, इस बात की खुशी थी और हम मैच भी जीत गए थे। डिफरेंस तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि जो भी नेट्स पे मैं दोनों के साथ वर्क किया है तो दोनों ने मेरे बारे में सेम ही बात करी थी, तो एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ बहुत ही अच्छा रहा था। लास्ट टाइम जबकि गेम में चांस नहीं मिला आईपीएल में, तो वो फिर भी बैटिंग वगैरह करवाते रहते थे रिकी पॉन्टिंग सर, तो हार्ड वर्किंग भी थे दोनों का, मैं कह रहा था दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थे। दिल्ली कैपिटल्स फैन के लिए मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए आइए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे लिए। ग्राउंड पे तो हम लोग खेल ही रहे हैं, बाकी आपका काम है हम लोगों को चीयर करना और दिल्ली को विनर बनाना। यहाँ की फैसिलिटीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने एक ओलंपिक के लिए बच्चे रेडी कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। कोर्ट वगैरह इन्होंने बहुत सारे एथलेटिक्स का हम ट्रैक देखा, बहुत अच्छा था, और जिम अच्छे बना रखे हैं, तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी जा रही है जो आके हमारी कंट्री के लिए और भी जो आने वाले यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ न्यू दिल्ली।